दोस्तों 40 मोस्ट यूजफुल एक्सेल फॉर्मूलाज, ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप बिगनर्स हो या फिर खुद को एक्सेल में मानते हो एक्सपर्ट, तो आप सभी का रिएक्शन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसा जरूर होगा। दोस्तों ये जो 40 फॉर्मूले है ना, मैंने टोटली एक्सप्लेन किए हैं और कब कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। इस वीडियो को देखने के बाद ये भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा दोस्तों। तो बस इस मेहनत के लिए मैं आपसे एक लाइक चाहूंगा, तो वीडियो को आप पहले ही लाइक कर दीजिए। मैं हूं दोस्तों दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला या टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, हो सकता है वो आप पहले से ही जानते हो। अगर आप पहले से ही जानते हैं तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, आगे आगे देखिए होता है क्या। और दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी इस मेहनत के लिए आपने इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो के नीचे जाइए, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिले। तो यहाँ पे हम बेसिक फंक्शंस यानी मैक्सिमम सम एवरेज इनकी बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास तीन सब्जेक्ट हैं, मैंने इनका टोटल कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला है और यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है। हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि हम किसी भी फॉर्मूला को डायनेमिक यानी ऑटो अपडेटेड कैसे बनाएं। अभी ये नॉर्मल डाटा है, अगर इसमें मैं नीचे कोई भी एंट्री करूंगा यहाँ तक मार्क्स तक, तो ये टोटल और एवरेज का फॉर्मूला अपने आप नीचे कॉपी नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ करके देखते हैं कि एंट्री जल्दी से, मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी और यहाँ पे मैं मार्क्स की एंट्री कर रहा हूँ, मैंने ये मार्क्स एंटर कर दिए, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला नीचे अपने आप कॉपी नहीं हुआ। डायनेमिक फॉर्मूले वो होते हैं जो अपने आप कॉपी होते रहते हैं, अपने आप अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मेरे को नीचे खींचना पड़ेगा, ये फिर खींचना पड़ेगा, मैं दोबारा कोई नया डाटा एंटर करूंगा फिर से खींचना पड़ेगा, तो ऐसे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिए। अगर ये आपको ट्रिक आती है दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे बहुत जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और एक्सेल फॉर्मूलाज आपको मिलने वाले हैं। तो यहां से मैं इसको कर देता हूं डिलीट। आपको करना क्या होगा, टेबल को कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है, कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल टी और यहां माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के रखना, ओके कर देना है। ऐसा करने से ये डेटा टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। आप इस टेबल में कहीं भी क्लिक कर लीजिए और डिजाइन टैब पे जाके यहाँ से फॉर्मेट बदल लीजिए। मैं यहाँ से सिंपल सा फॉर्मेट ले रहा हूँ, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, मैंने एक एंट्री कर दी यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कोई भी एक नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने मार्क्स की एंट्री की। देखिए मैंने मार्क्स की एंट्री की, जैसे ही मार्क्स की एंट्री हुई तो यहाँ पे टोटल और एवरेज का फॉर्मूला अपने आप नीचे कॉपी होके आ गया। कितनी भी एंट्री करो अब यहाँ पे ये झंझट खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ रैंक का फॉर्मूला और हम लगा देते हैं, आपको आता होगा, छोटा सा फॉर्मूला है इक्वल करके रैंक ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे सबसे पहले हमें रैंक में क्या देना होगा, हम एवरेज के जरिए रैंक निकालेंगे, टोटल के जरिए भी आप निकाल सकते हो, एवरेज के जरिए हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला सेल देंगे, पहला सेल कॉमा लगा देंगे, उसके बाद हमें रेफरेंस देना है, मतलब सारे सेल्स मतलब सारी एंट्रीज आपको सेलेक्ट कर देंगे जहां तक भी आपका डाटा एंटर किया हुआ है, हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग आपको रैंक फॉर्मूला में सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ज़्यादा एवरेज को नंबर वन रैंक देना चाहते हो तो यहाँ आपको डिसेंडिंग सिलेक्ट करना होगा, अगर आप कम एवरेज को नंबर वन रैंक देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको असेंडिंग देना होगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यहाँ पे जीरो और वन है, तो मैंने डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया, जीरो आ गया, ब्रैकेट बंद कर दी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया और ये फॉर्मूला अपने आप नीचे तक कॉपी हो गया है। नया डाटा एंटर करूंगा तो ये अपने आप अपडेट होता रहेगा, अपने आप काम करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ पे नंबर वन रैंक है। तो ये तो हो गया दोस्तों इस तरह से, जो आपको सीखना जरूरी है सबसे पहले। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। कुछ कंडीशंस हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमारे बेसिक फॉर्मूलाज यानी सम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज ये काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए। अब आप देखिए मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे फ्रूट्स के नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे केजी लिखा हुआ है क्वांटिटी के साथ, 10 केजी, 10 केजी, 12 केजी, यहाँ पे ग्राम हो सकता है, पीसेज हो सकता है, इस तरह से रेट लिखा हो सकता है, बैग हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट नंबर के साथ में लिखा हो सकता है। तो अगर नंबर के साथ टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे अमाउंट निकालता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके इससे, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है ना, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्मूलेज लगाते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है। नंबर जो होता है वो सेल में राइट साइड में होता है और टेक्स्ट सेल के अंदर लेफ्ट साइड में होता है।
तो जब भी आपको इस तरह की एंट्रीज करनी हो और आपको पता है कि मुझे इन पे फॉर्मूला भी लगाना है, तो आप ऐसे ना कीजिए। जब आप एक्सेल शीट तैयार करो ना, तो आप अपना कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, जहाँ भी इस तरह की एंट्री करनी है रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 दबा लीजिए या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर आ जाइए और यहाँ पर जाना है कस्टम पे और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट हम लगा देंगे। जनरल को हटा देना और यहाँ पर टाइप करना आपको हैज़, ठीक है, हैश टाइप करना है, डबल कोट्स लगानी है, स्पेस देना और केजी टाइप कर देना है, फिर आपने डबल कोट्स बंद कर देनी है और बस ये फॉर्मेट लगा दिया। हैश यहाँ पे नंबर को डिनोट करेगा, मतलब आगे नंबर रहेगा उसके पीछे केजी अपने आप आता रहेगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मैं एंट्री करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा 11, तो आप देखिए 11 केजी आ गया। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये केजी आपका रियल में है नहीं सेल के अंदर, बट ये केजी आपको शो हो रहा है और एक्सेल इसको एज ए नंबर मेजर कर रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल 11 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, केजी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसमें आसानी से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे तो ये काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा। अगर आगे कुछ लिखना हो, जैसे इस तरह से मान लीजिए मैं यहीं इसको डिलीट कर देता हूं और ये रेंज कर दी सिलेक्ट, मैं यहां पे कोई भी नंबर एंटर करूं ना, तो उसके सामने आरएस मतलब रेट अपने आप आ जाए लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहां कस्टम पे जाके आप यहां से जनरल को हटा देना। अब यहां पे हमें करना क्या, आगे आरएस लिखना है। तो डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, आरएस लिख देंगे, स्पेस दे देंगे, डबल कोट्स बंद कर देंगे और फिर हम यहां पर हैश टाइप कर देंगे। यहां पर हैश नंबर को डिनोट करेगा, नंबर से पहले आरएस है तो नंबर से पहले ही आरएस आएगा, नंबर बाद में आएगा। ओके कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एंट्री करके, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अब मैं इनका टोटल भी आसानी से कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पे सम के फॉर्मूले में अगर ये रेंज करूँगा सिलेक्ट, तो ये प्रॉपर काम करेगा। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर के साथ हमें टेक्स्ट की एंट्री करनी हो, तो उसके लिए आप कस्टम फॉर्मेट का बेहतरीन उपयोग करना सीख लीजिए। आगे अब हम बात करते हैं कि हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये फिल्टर के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे ये हेडिंग्स हैं, मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी का सम कर रखा है और यहाँ पे सम है, यहाँ पे एवरेज है क्वांटिटी की, और यहाँ पे अमाउंट का टोटल है और यहाँ पे एवरेज है, ठीक है। मैं यहाँ किसी भी हेडिंग पे क्लिक करके फिल्टर लगा देता हूँ, डाटा टाइप पे जाके और फिल्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सॉरी सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक नहीं करना, हमें फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ देखिए, मेरे पास ये जो आइटम्स हैं, यहाँ पे माउस और कीबोर्ड है, ठीक है। अभी आप टोटल देखोगे, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 131 है। अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, मुझे केवल माउस का रिकॉर्ड देखना है, माउस पे टिक लगाया, ओके कर दिया, तो आप देखिए डाटा तो फिल्टर हो गया बट यहाँ पे फिर भी 131 है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा है, जो यहाँ से रिकॉर्ड्स हाइड हो गए ना, उन पे भी काम कर रहा है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये फिल्टर के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो उस केस में आपको करना क्या होगा, उस केस में आपको यूज करना होगा सब टोटल फॉर्मूला। कैसे होगा देखिए, तो मैं यहां से इनको कर देता हूं डिलीट और यहां पे मैं क्वांटिटी का टोटल करूंगा, बाद में मैं रिकॉर्ड को फिल्टर करूं तो टोटल सही आना चाहिए। तो यहां पे हम लगाते हैं इक्वल सब टोटल का फॉर्मूला। अब यहां सब टोटल में ये एक लिस्ट आपको मिलेगी दोस्तों, यहां आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शन आप लगाओगे। तो सब टोटल एक फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो यहां से सम हमें सेलेक्ट करना है, तो सम पे क्लिक करके या तो डबल क्लिक कर दीजिए, या सम का नंबर यहाँ पे 9 है, आप 9 यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। तो सब टोटल के अंदर 9 जो यहाँ पे है, इसका मतलब हमें सम करना है। कॉमा हम लगा देंगे, उसके बाद हम अपनी ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, बस एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल आ गया 131, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फिल्टर करता हूँ रिकॉर्ड को, मान लीजिए मैं फिर से माउस का रिकॉर्ड लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे 66 है, केवल जो विजिबल डाटा है ना उसी का टोटल यहाँ पे हुआ है। तो ये सब टोटल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस पर डिटेल में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब इसी तरह से एवरेज आपको निकालनी है, तो यहाँ पर एवरेज, नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगेगा अगर आप फिल्टर के साथ यूज़ करोगे, तो यहाँ पर सब टोटल ही लगाना पड़ेगा आपको। सब टोटल में एवरेज आपको मिल जाएगा, ये रहा नंबर 1 पे ही एवरेज, यहां डबल क्लिक कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद आपको रेफरेंस दे देना है, तो ये सब टोटल इस तरह से काम करेगा। अब आप देखिए एवरेज इतनी है। अगर आप इस डाटा को फिल्टर भी करोगे, तो यहां पे आपका जो डाटा है वो फिल्टर करने के साथ साथ ये काम करेगा सब टोटल।
फॉर्मूला है ना दोस्तों। तो ये भी बहुत कमाल का फॉर्मूला है जो आपको जरूर आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ जो कि एक बहुत ही बेहतरीन है, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। ये है कि वी लुकअप और सब टोटल का दोनों का एक साथ यूज हम कैसे करेंगे। यहां आप देखिए मेरे पास ये सेम डाटा है, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो भी फंक्शन नेम मैं सिलेक्ट करूंगा, सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, सेलेक्ट करते ही वही फॉर्मूला यहां पे काम करेगा। अभी देखिए मैंने काउंट लिया है, तो इस रेंज के अंदर ये काउंट कर रहा है कि कितने फॉर्मूले यहां पे, मतलब कितने रिकॉर्ड्स यहां पे हैं, ठीक है, ये काउंट कर रहा है। अगर मैंने इस लिस्ट में से फंक्शन सेलेक्ट कर लिया कि सम, भाई मुझे सम दिखाओ, तो सम आ गया। अगर मैंने यहां पर ले लिया मैक्स, तो यहां पर मैक्सिमम आ गया। ये मैक्सिमम आ रहा है इस रेंज में से, ये मैक्सिमम आ रहा है इस रेंज में से। तो ये हुआ कैसे, ये हमने क्या किया है, सब टोटल में वी लुकअप का यूज कर दिया है दोस्तों। ये बहुत जबरदस्त चीज है और यहाँ पे ये दोनों तरह से काम करेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने सम लिया तो सम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी फिल्टर लगाते हो डेटा पे जाके और यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ डेटा जब आप फिल्टर करोगे तो ये प्रॉपर सही तरीके से काम करेगा। मैंने माउस लिया, ओके कर दिया, तो ये माउस का रिकॉर्ड आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब मैं मुझे माउस का सम देख रहा हूँ, माउस की क्वांटिटी कितनी है, माउस का अमाउंट कितना है। अगर मैं यहाँ से एवरेज देखता हूँ या कोई और फॉर्मूला चेंज करता हूँ एवरेज देखने के लिए, यहाँ पे ये रहा एवरेज, क्लिक कर दीजिए तो माउस की एवरेज इतनी है ना। तो ये प्रॉपर सही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सीखने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, तो मैं ये हटा देता हूँ और इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ होम पे जाके, क्लियर क्लियर ऑल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सब टोटल, ठीक है। अब इस सब टोटल के अंदर जो ये लिस्ट आ रही है ना, ये लिस्ट आप देख रहे हो, ये लिस्ट में से जो मेन मेन फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनके नेम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और उनका जो नंबर है, नंबर दे रखा है इनके सभी के सामने, उनका नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं करूँगा क्या, बस ये लिस्ट दिखाने के लिए फिलहाल मैंने ये सब टोटल फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा इन नेम्स की, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और डेटा टाइप पे जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स में क्लिक करेंगे। सोर्स में क्लिक करने के बाद ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे लिस्ट हमारे पास आ गई। ये देखिए लिस्ट आ गई। अब हमें करना क्या है, पहले हम एक काम करते हैं कि इस लिस्ट में जो भी फंक्शन सिलेक्ट है ना, उसका नंबर हमें इस टेबल में से लाना है, उसका नंबर हमें इस टेबल में से लाना है। तो मैं यहां लेके आता हूं, इसके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एक बेसिक फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं वी लुकअप का। लुकअप वैल्यू हमारी होगी कि ये वी लुकअप फॉर्मूला दोस्तों टेबल में रिकॉर्ड सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। इस पे मैंने 10-11 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो या हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू दे दी ये वाली, ठीक है, कॉमा लगा दिया, उसके बाद टेबल एरे में ये वाली टेबल दे दी, उसके बाद कॉमा लगा दिया। अब हमें कॉलम नंबर देना है। वी लुकअप क्या करेगा, जो नेम आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, वो नेम इस टेबल के अंदर सर्च करेगा, मिल जाएगा, तो उसके सामने से हमें वैल्यू उठानी है, ये नंबर उठाना है। और ये नंबर कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे टू कॉमा एग्जैक्ट, मैं इसके लिए 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए मैक्स इस टेबल के अंदर कौन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है। और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हो एवरेज, तो एवरेज का नंबर क्या है, 1 है। उसी तरह से कोई भी आप यहाँ से ले लीजिए, मान लीजिए सम आप लेते हो, तो सम का नंबर कितना है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ हमने, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लगा देंगे सब टोटल, सब टोटल, इस तरह से सब टोटल का फॉर्मूला लग गया। और यहाँ पे ये जो फंक्शन का जो नंबर है ना, ये नंबर हम नहीं देंगे, ये नंबर वी लुकअप हमें निकाल के देगा। वी लुकअप क्या करेगा, यहाँ से फंक्शन का नेम उठाएगा और यहाँ पे चेक करके उसका नंबर हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है यहाँ पे कौन सा लगना है, मैक्स मिनिमम सम, ये वी लुकअप हमें बताएगा। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, बस रेफरेंस हम दे देंगे, तो ये रेफरेंस मैंने दे दिया, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो अब आप देखिए यहाँ पे लग गया फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कोई भी फंक्शन नेम, तो आप देखिए यहाँ पे एवरेज आ गई है, और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ काउंट, तो यहाँ पे काउंट करके रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टेक्निक का, इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है दोस्तों। अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है काउंट काउंटे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है। तो ये बहुत छोटे बट बहुत काम आते हैं, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इनको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट की।
काउंट क्या करता है, जो भी रेंज इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ना, उसमें केवल वो सेल गिनेगा जिन सेल्स के अंदर न्यूमेरिक एंट्री की हुई है। तो मेरे पास ये डाटा है बैंक का, सिंपल सा डाटा मैंने लिया हुआ। यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आप देखिए अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, कहीं कहीं पे एन ए लिखा हुआ, नॉट एप्लीकेबल नॉट अवेलेबल, और कहीं कहीं पे सेल खाली हैं। अब मुझे ये बताओ गिन के कि कितने लोगों के यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर किए हुए हैं, ठीक है, कितने लोगों के यहाँ पे अकाउंट नंबर हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इस रेंज के अंदर हम वो सेल काउंट करनी है जिन सेल्स के अंदर नंबर में एंट्री की हुई है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल करके काउंट। अगर आपको किसी भी रेंज के अंदर केवल नंबर वाले सेल काउंट करने हैं तो हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम रेंज दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 5, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गया काउंट का यूज। अब हम बात करते हैं काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, ये नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा, मतलब खाली सेल्स को छोड़ देगा, बाकी सभी सेल्स को काउंट कर लेगा, चाहे सेल में कुछ भी लिखा हो, नंबर लिखा हो, सिंबल हो, कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। तो अब हम ये काउंट करते हैं कि यहाँ पे टोटल एंट्री मान लीजिए कितनी की हुई है, कितनी की हुई है। तो यहाँ पे इक्वल करके काउंट ए लगा दोगे आप, ब्रैकेट ओपन, और ये रेंज कर दोगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे 7 एंट्रीज हैं टोटल, आप गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके बाद बात आती है काउंट ब्लैंक की। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये बता दीजिए इसमें कितने लोगों के अकाउंट नंबर अभी नहीं एंटर किए हुए हैं, कितने लोगों ने हमें अकाउंट नंबर नहीं दिए हैं, तो हमें खाली सेल्स को काउंट करना पड़ेगा। तो इक्वल करके काउंट ब्लैंक हम लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये रेंज हम दे देंगे। बेसिक फॉर्मूला से बहुत काम आ जाते हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे दो सेल्स ऐसे हैं जो खाली हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्लियर हो गया होगा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे जो फॉर्मूलेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो कि हैं डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्स, डी मैक्सिमम, डी काउंट। अगर दोस्तों आपने यूज़ किया होगा सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ्स, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ना ये बिल्कुल सेम वही काम करते हैं, थोड़े से आसान है उनसे। कैसे, देखिए मेरे पास ये डाटा है, आपने सिंपल सम करना देख लिया, फिल्टर के साथ सम करना देख लिया, और सब टोटल में जो लिस्ट बना के हम सम करते हैं वो आपने सीख लिया। अब हम यहाँ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सम करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो हेडिंग है यहाँ पे कॉपी कर ली, और ये क्वांटिटी का सेल यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे हमारे पास आइटम्स हैं, माउस है, कीबोर्ड है, तो जो भी आइटम ने मैं यहाँ लिखूँ ना उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए। तो हम लगाएंगे डी सम फॉर्मूला। अगर हमें कंडीशन के साथ सम करना है, इस सेल में अगर लिखा हो माउस तो माउस की क्वांटिटीज का सम आए, इस सेल में अगर मैं लिखूं कीबोर्ड तो कीबोर्ड की क्वांटिटीज का ही सम आए। तो यहां पे हम पहले लगाते हैं डी सम फॉर्मूला, इक्वल करके डी सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे देना है डेटाबेस, मतलब पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर देना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद फील्ड कि आप जो टोटल करने वाले हो वो कौन से कॉलम का करने वाले हो। क्वांटिटी का हम निकालेंगे तो आपने अपनी हेडिंग सेलेक्ट करनी है, इस क्वांटिटी वाले कॉलम की हेडिंग सेलेक्ट कर देनी है, कॉमा लगा देना है। उसके बाद क्राइटेरिया कहाँ होगा, क्या ये चेक करे, तो ये क्राइटेरिया के अंदर ये वाला सेल और इससे नीचे ये वाला सेल भी सिलेक्ट करना है, जहां पे हम कंडीशन लिखेंगे, अपनी क्राइटेरिया लिखेंगे। बस ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो यहां पे देखिए टोटल अभी दिखा रहा है 131, ये टोटल दिखा रहा है अभी। अगर मैं यहां पे टाइप करता हूँ माउस, माउस मैंने टाइप किया तो आप देखिए माउस की 66 आ गई। अगर मैं यहां पे टाइप करता हूँ कीबोर्ड तो यहां पे आप देखिए कीबोर्ड की 65 आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है बिल्कुल सम इफ की तरह ही काम कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने सिंगल क्राइटेरिया दिया है, एक ही कॉलम के अंदर ये चेक कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जहां जहां कीबोर्ड लिखा हुआ है उसके सामने से क्वांटिटी वाले कॉलम में से वैल्यूज को टोटल कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अमाउंट भी आप यहाँ निकाल सकते हो, मान लीजिए अमाउंट भी आपको लाना है तो आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी, और यहाँ पे लगा दीजिए डी सम, ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस में पूरी टेबल दे देनी है, टेबल दे दी, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब फील्ड, फील्ड का मतलब कौन से कॉलम का हमें टोटल करना है उसकी हेडिंग सेलेक्ट कर देनी है, कॉमा लगा के उसके बाद ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी आ गई, अमाउंट भी आ गया टोटल। और यहाँ पे अगर मैं माउस एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट दोनों ही अपडेट हो गया दोस्तों,
ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये अमाउंट मतलब क्वांटिटी और अमाउंट टोटल हो रहा है, ये सिंगल क्राइटेरिया पे बेस है। यहाँ पे चेक कर रहा है केवल माउस या कीबोर्ड। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो एक साथ, तो यहाँ पे ये फॉर्मुलेस कैसे लगेंगे आप देखिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर ली है, ठीक है। कंट्रोल सी, क्वांटिटी सॉरी आइटम कंपनी और क्वांटिटी, इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे आइटम लिखूंगा इनमें से, और यहाँ पे कंपनी का नेम दूंगा। तो आइटम नेम जो यहाँ मैं लिखूँ और जो कंपनी का नेम यहाँ लिखूँ, उसकी क्वांटिटी यहाँ लानी है। मतलब दो क्राइटेरिया के साथ हमें फॉर्मूला लगाना है। डी सम इक्वल करके आप लिखोगे यहाँ पे डी सम ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉरी डी सम लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देना डेटाबेस, तो पूरी टेबल कर दीजिए सिलेक्ट, कॉमा लगा के उसके बाद फील्ड कौन से कॉलम का टोटल करवाना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हम निकालने वाले, तो क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए हेडिंग पे कॉमा लगा के। क्राइटेरिया क्या होगा, तो इस बार क्राइटेरिया में दोनों सेल लेने हैं और नीचे वाली एक रो और लेनी है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास बहुत सारे आइटम है, मान लो कीबोर्ड माउस रैम रोम हार्ड डिस्क, अगर आप एक से ज्यादा सेम आइटम लिखना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे कीबोर्ड लिखा नीचे माउस लिखा, तो भी ये ले लेगा। तो उस केस में बस आपको क्राइटेरिया अपना इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ही कॉलम में आप मल्टीपल कंडीशंस देते हो तो वो आप कर लेना। तो मैंने क्राइटेरिया दे दिया ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे काम हो गया। अब ये टोटल दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे माउस आइटम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंपनी का नेम एबीसी, कंपनी एबीसी। तो माउस एबीसी आइटम नेम माउस है, कंपनी एबीसी है, उसका जो क्वांटिटी का टोटल है इतना आ रहा है। आप देखिए माउस एबीसी, एक तो ये रहा 10, और माउस ये एक्स वाई जेड है, और यहाँ माउस एबीसी ये रहा 25 और 10 35 हो गया, और यहाँ पे माउस एबीसी एक ये रहा 11, है ना 46 हो गया, एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप समीप समीप से नहीं जानते तो डी सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत कमाल का फॉर्मूला है। अब इसी तरह आप डी एवरेज, डी मीन, डी मैक्स, डी काउंट फॉर्मूलेज भी आसानी से लगा सकते हो, बिल्कुल सेम है दोस्तों। अगर मुझे यहाँ पे सम की जगह एवरेज निकालनी हो, तो मैं यहाँ पे डी एवरेज कर देता हूँ, डी एवरेज, ठीक है। एंटर कर दिया, तो अब यहाँ पे एवरेज आ रही है। जो भी क्राइटेरिया आप इन सेल्स में दोगे, उसकी एवरेज यहाँ निकाल के ये दिखाता रहेगा। और अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप डी मैक्स लगाइए, मिनिमम निकालना है तो डी मिन लगाइए, काउंट करना है तो डी काउंट लगा दीजिए। अभी ये काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक मैंने आपको बताया था कैसे काम करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वही काम है, बस कंडीशंस के अकॉर्डिंग काउंट करेगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार दिखा दूं आपको, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया डी काउंट, डी काउंट एंटर कर दिया। तो अभी माउस यहाँ पे एबीसी कंपनी के 3 है, ठीक है। यहाँ पे माउस एबीसी कंपनी के 3 आप देखिए, माउस एबीसी कंपनी का एक तो ये रहा, और माउस एबीसी कंपनी का दूसरा ये रहा, और माउस एबीसी कंपनी का ये रहा तीसरा। तो इस तरह से दोस्तों इन फॉर्मुलेज का आप यूज कर सकते हो, बहुत आसान है, आप ट्राई करके देखना। और ये पूरी सीट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब यहां पे बात आती है परसेंटेज निकालने की। काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, बट फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब बेसिक परसेंटेज तो सबको आती होगी। यहां पे मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैंने यहां पे टोटल कर दिया शॉर्टकट की दबा के, ऑल्ट के साथ प्लस दबा दिया, एंटर कर दिया, तो सम का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा और सम को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ 300 हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, एंटर कर दिया, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देंगे और राइट क्लिक करके इसके ऊपर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज आ गई। ये तो सिंपल था, बट मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है अमाउंट, ठीक है, मुझे 5% टैक्स लगा के बताना है कि कितना हो गया, 5% टैक्स लगा के बताना है कितना हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मतलब इसी में जोड़ना है 5% इक्वल करके दिस इनटू 5% का साइन, एंटर कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर मुझे केवल इस वैल्यू का 5% निकालना कि कितना हुआ, तो आप सिंपल कर सकते हो इक्वल करके दिस
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कितने से, 5%, जितना परसेंट आपको निकालना है, तो ये ले लीजिए, इसका 10 मतलब 5% वैल्यू निकल के आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे सैलरीज लिखी हुई है कुछ, इनका 10% इंक्रीमेंट करके यहाँ लाना है, तो सिंपल वही फंडा है, इक्वल करके दिस प्लस दिस इनटू कितना परसेंट निकालना है, 10%, तो 10 लिखोगे, परसेंट का साइन लगा के एंटर कर दीजिए, तो ये हो गया। डिक्रीमेंट करना है तो बस आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस की जगह माइनस कर देना, यहाँ पे ये जो प्लस है ना इसकी जगह माइनस कर देना, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी निकल जाएगा। निकाल देते हैं, इक्वल करके दिस माइनस दिस इनटू कितना परसेंट माइनस करना है, 10%, परसेंट का साइन जरूर लगाना है, एंटर कर दीजिए, तो ये लीजिए। तो इसमें से 10% अगर हटा दिया जाए तो इतना बनेगा। तो ये हो गया दोस्तों परसेंटेज का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है एबीएस का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, एबीएस का काफी लोगों ने पूछा भी था कमेंट्स में। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, ये बस क्या करता है, नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल करके एबीएस ब्रैकेट ओपन, और फिर मैं इस नंबर को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये बस इस तरह से कैलकुलेट करेगा। ये करता क्या है, ये जीरो से डिस्टेंस काउंट कर लेता है, ये 3 है ना, तो 0 से -3 कितना डिस्टेंस हो गया, 3, अगर +3 होगा तब भी 3। तो कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, बस क्या करता है नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेंगी, तो वहां पे यूज होगा जहां पे कुछ नंबर नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो आपको नेगेटिव वाले पॉजिटिव में कन्वर्ट करने हैं, बट पॉजिटिव वाले पॉजिटिव ही रहे, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। आगे चलते हैं, आगे ट्रिम। ये दोस्तों फॉर्मूला बहुत छोटा है बट काम बहुत बड़े करता है। कई बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, हम पूरे दिन भर लगे रहते हैं, सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, बट ये कर देता है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नेम के सामने ये स्पेस है और यहाँ बीच में स्पेस है, इसी तरह आप यहाँ देखिए लर्न एक्सेल में बाद में स्पेस है, और यहाँ एक्सेल टिप्स में आगे और बीच में स्पेस है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ आप देखिए मैंने यहाँ पे डीसम का फॉर्मूला लगा रखा है, ये डीसम अभी मैंने समझाया आपको, ये क्या करेगा, यहाँ से आइटम लेगा माउस, माउस को यहाँ सर्च करेगा कहाँ है, जहाँ जहाँ माउस मिलेगा उसके सामने से क्वांटिटी जोड़ के हमें दे रहा है। तो फिलहाल हमें ये क्या दे रहा है, ये माउस की टोटल क्वांटिटी 2 बता रहा है, एक माउस तो ये रहा, ये जोड़ दिया 1 यहाँ से हो गया, और एक माउस ये रहा 1 यहाँ से हो गया, और एक माउस यहाँ से हो गया, ये 1 यहाँ से हो गया, तो टोटल तो 3 आना चाहिए, यहाँ 2 क्यों आ रहा है, यहाँ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ स्पेस है, इस माउस में आगे स्पेस है, जो इस वर्ड को इस सेल को बाकी माउस वाले सेल से डिफरेंट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो यहाँ पे जो माउस का क्राइटेरिया है ना, वो माउस का क्राइटेरिया इस सेल में मैच नहीं हो रहा क्योंकि स्पेस ने इसको अलग कर दिया है। सेम कंडीशन वी लुकअप में भी बहुत बार होती है, जब हम लुकअप वैल्यू टेबल में सर्च करते हैं, तो अगर टेबल में किसी नेम के आगे पीछे है जो भी हम लुकअप वैल्यू ढूंढ रहे हैं, स्पेस उनमें है आगे पीछे बीच में, तो वैल्यू एग्जैक्ट आपको मिलेगी नहीं, वी लुकअप सही काम करेगा नहीं दोस्तों। तो अगर हमारे पास हजारों में इस तरह का डाटा हो जहाँ पे आगे पीछे बीच में स्पेस दे रखे हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए हम ट्रिम फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए हैं, मैंने लिखा इक्वल ट्रिम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये सेल कर दिया सिलेक्ट, एंटर कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसको पकड़ के नीचे आप ड्रैग कर लीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे बीच में और बाद में, यहाँ पे आप देखोगे बाद में स्पेस है, और यहाँ पे आप देखोगे बाद में कोई स्पेस नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे बिना स्पेस के आ रहा है ना, एक्सेल टिप्स के अंदर बीच में स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो ये काम होता है ट्रिम फॉर्मूला का, इक्वल ट्रिम ब्रैकेट ओपन, और ये मैंने सेल दे दिया, एंटर कर दिया, ठीक है, इसको पकड़ के मैंने नीचे ड्रैग कर दिया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इनको पेस्ट करूँगा, यहाँ जो फॉर्मूला है, ठीक है, और मैं ये जो क्लीन नेम है हमारे हैं स्पेस हटा दिया जिनमें से, यहाँ पे पेस्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और इनको सिलेक्ट कर लो, रेंज सिलेक्ट कर लो जहाँ पे पेस्ट करने हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाओ, और उसके बाद यहाँ वैल्यू पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे माउस के सामने से भी स्पेस हट गया है दोस्तों, है ना। अब इनको बेशक आप डिलीट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो हमने फॉर्मूला लगाया, स्पेस को हटाया, फॉर्मूला को फिर हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह से आप अपने डाटा में स्पेसेस को क्लीन कर सकते हो, जो कभी कभी बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपर लोअर प्रॉपर फॉर्मूला।
एक्सेल में दोस्तों एमएस वर्ड की तरह कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से ऑप्शन आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट को अपर लोअर प्रॉपर में चेंज कर सको। यहां पे फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो ये तीन फॉर्मूला है, अभी इनका बेसिक मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पे मैं इनका एडवांस एक अच्छा यूज आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर अपर हम फॉर्मूला लगाते हैं अपर का, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन। अब यहां हमें देना टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया नेम राजकुमार, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पे अपर केस में आ गया। आपने इसको पकड़ के नीचे खींच लेना है, तो ये सारे नेम जो यहाँ लिखे थे ये अपर केस में आ गए दोस्तों। अब अगर ये नेम हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम सेल में लगेगा नहीं, वो अलग सेल में ही लगेगा। आप एक काम कर सकते हो, इन नेम्स को कॉपी कर लो, फॉर्मूला लगा लिया कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ से इनको सिलेक्ट करो, फिर से वही राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना जैसे हमने पहले किया था, और वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देना है, तो ये काम हो गया है ना। यहाँ पे जो नेम थे वो अपर केस में चेंज हो गए हैं। अब लोअर केस फॉर्मूला क्या करेगा, लोअर इक्वल लोअर, ये बस करेगा क्या, जो भी टेक्स्ट आपका है उसको लोअर केस में चेंज कर देगा। एंटर कर दीजिए तो ये लोअर में आ गया है। प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर देगा, प्रॉपर इसमें टेक्स्ट मैंने दे दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे तो राजकुमार पूरा कैपिटल ही है, यहाँ पे देखिए राज का आर बड़ा है, कुमार का के बड़ा है, ठीक है। अब जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से पेस्ट कर लीजिए। तो ये हो गए अपर लोअर प्रॉपर फॉर्मूला। बात करते हैं अब आगे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला की। कॉनकैटिनेट फॉर्मूला दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, अब ये थोड़ा पुराना हो गया है क्योंकि अब नए वर्जन से एक्सेल 2016 है, 2019 वहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है, बाकी ये है वहाँ पे भी, कॉनकेट और टेक्स्ट जॉइन बहुत गजब के दो फॉर्मूले हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए। तो इसको यूज़ करना आप भूल जाओगे अगर आपने टेक्स्ट जॉइन और कॉनकेटिनेट फॉर्मूला सीख लिया। तो यहाँ पर देखिए, कॉनकेटिनेट का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़ देना, सेल्स को जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए, तो तीनों सेल्स को हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस की तरह काम नहीं चलेगा कि दिस सेल प्लस का साइन लगा के दिस सेल, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फिलहाल कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमें देना टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, तो पहले मैंने ये टेक्स्ट कर दिया, कॉमा लगा के दूसरा टेक्स्ट दे दिया, कॉमा लगा के तीसरा दे दिया। अब यहाँ पे बार बार मुझे कीबोर्ड से कॉमा प्रेस करना पड़ रहा है, अगर इसी तरह से काफ़ी सेल्स हों तो वहाँ पे करना क्या होगा, आप पहला सेल कर लो सिलेक्ट, आप हटाई लो इसको एक बार, आप पहला सेल सेलेक्ट कर लो, कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रखो, अगला सेल कर दो, कंट्रोल की दबा के ही रखनी है, फिर अगला कर दो, तो कॉमा अपने आप लगती चली जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओगे तो ये देखिए पूरा नेम एक साथ आ गया, राजकुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा। बट अगर हमें बीच में कोई स्पेस, कोई सिंबल, कोई अंडरस्कोर चाहिए तो हमें करना क्या होगा, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, ऐसे तो यह आ जाएगा है ना। तो हमने क्या किया, कॉनकैटिनेट में पहले वाला फर्स्ट नेम दे दिया, इसके बाद मुझे चाहिए स्पेस या कोई सिंबल चाहिए, तो डबल कोट्स में आप स्पेस दे दो या कोई सिंबल दे दो, ये मैंने डबल कोट्स में स्पेस दे दिया है। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, अगला सेल दे दिया, फिर इसके बाद हमें स्पेस चाहिए तो कॉमा लगा के फिर हम डबल कोट्स के अंदर फिर स्पेस दे देंगे, डबल कोट्स बंद, फिर से कॉमा लगा देंगे, फिर हमने लास्ट नेम ले लिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए राजकुमार शर्मा आ गया स्पेस के साथ। यहाँ डबल क्लिक करके आप बीच में जो स्पेस आपने दिया है यहाँ पे कोई अंडरस्कोर या कोई सिंबल भी आप लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है, एंटर करेंगे तो ये आ गया इस तरह से। तो ये कॉनकैटिनेट फॉर्मूला है दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है ना। अब ये जो कॉनकैटिनेट जो वर्ड आपने लिखा है ना, ये इसका एक और शॉर्टकट है इस फॉर्मूले का, जो कि ये एंड साइन हम यहाँ लगाते हैं, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करोगे आप तो सभी के नेम आ गए, ये देखिए जैसे हमने लिए थे ऐसे आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इनको डिलीट कर रहा हूँ, अब एंड साइन का हम यूज़ करना देखेंगे, ये रहा एंड साइन, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा इन नेम्स को, मैंने ये वाला सेल कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद एंड का साइन लगा देंगे, ये एंड का साइन लगा दिया, फिर ये वाला सेल ले लिया, फिर एंड का साइन लगा दिया, फिर ये वाला सेल ले लिया, बस एंटर कर दो, तो ये देखिए काम हो गया है ना, अभी शर्मा आ गया। बट अगर आप बीच में स्पेस चाहिए तो करना क्या होगा आपको, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से लगाते हैं इक्वल दिस सेल, अब इसके बाद हमें स्पेस चाहिए इस सेल के, इस सेल में जो भी लिखा है उसके बाद स्पेस चाहिए, तो हम करेंगे क्या, एंड का साइन लगा देंगे, डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे या कोई सिंबल लगा देंगे जो भी हमें चाहिए, फिर से एंड का साइन लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब जब हमें किसी सेल को जोड़ना है या फॉर्मूले में किसी और चीज़ को जोड़ना है तो हम एंड का साइन लगाते चले जाएंगे। ये सेल कर लिए सिलेक्ट,
इसके बाद हमें स्पेस जोड़ना है, तो एंड का साइन लगा के डबल कोट्स में हम दे देंगे स्पेस, डबल कोट्स बंद, फिर एंड का साइन, फिर हमने ये वाला सेल कर दिया सिलेक्ट, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए काम हो गया। बट दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले काफी लंबे पड़ते हैं, कॉनकैटिनेट एंड का साइन यूज करें या फिर कॉनकैटिनेट यूज करें, ठीक है। अब यहां भी आप देख सकते हो कंप्लीट एड्रेस, इसका काम तो पता है ना आपको कैसे यूज होगा, मेरे पास यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ स्टी स्टेट पिन कोड और ये फोन नंबर, ये मेरे पास यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे इकट्ठा ये एक साथ लाना है एक ही सेल के अंदर, तो ये हम आसानी से ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं एक जबरदस्त यूज किसका, कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन का, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम डाटा मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार कॉनकैटिनेट फॉर्मूला लगाता हूँ, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब इस कॉनकैटिनेट के अंदर हम एक बार में बहुत सारे सेल सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, एंटर किया तो ये वैल्यू एरर दे देता है, ठीक है। एक्सेल 2016 में और अबव वर्जन में एक नया फॉर्मूला है जो कि कॉनकैट इक्वल कॉनकैट, इसमें आप कर क्या सकते हो, इसमें आप वो तो सारा काम कर ही सकते हो जो कॉनकैटिनेट में करते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो मेन काम है वो ये है कि आप एक ही बार में रेंज दे दो, बस एंटर कर दो, काम हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बीच बीच में स्पेस चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, तो वो हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने अभी पिछले स्टेप पे कॉनकैटिनेट के अंदर किए थे। तो ये होता है कॉनकैट फॉर्मूला का यूज, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट जॉइन, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त फॉर्मूला है, देखिए कैसे हम यहां पे लगाते हैं टेक्स्ट जॉइन इक्वल टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट ओपन। यहां पे हमें देना है सबसे पहले डेलीमीटर, हम बहुत सारे सेल्स को एक बार में जोड़ देंगे, बट हम जब सेल्स को जोड़ेंगे तो सेल्स के बीच बीच में क्या चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं यहां पे फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम के सेल्स को जोड़ूंगा, बट मुझे फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम के बीच बीच में स्पेस चाहिए, तो यहां डेलीमीटर हमारा स्पेस ही है, तो डबल कोट्स में मैंने स्पेस दे दिया। आप इसकी जगह कोई सिंबल वगैरह दे सकते हो। यहां टेक्स्ट जॉइन में बस एक बार आपको लिखना है, कॉनकैटिनेट में बार बार लिखना पड़ता है ना, तो यहां पर स्पेस दे दिया कॉमा लगा के। अब आपको यहां पर है, देखिए आप इग्नोर एम्प्टी, मतलब अगर खाली सेल्स हैं तो इनको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है तो यस कर दीजिए, मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर दीजिए, तो मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है। कॉमा लगा देंगे, उसके बाद बस रेंज दे देनी है, एक ही बार में ये रेंज दे दी, एंटर कर दिया, तो यहां पे काम हो गया। ये देखिए टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का काम, ये देखिए आ गया ना। अब यहां हमें अगर अभी अभी तो हमने तीन सेल्स को मर्ज किया है एक साथ, जो है कॉनकैट किया है, अगर हमारे पास 10-20 सेल होते तो वहां पे ये जो फॉर्मूला है ना बहुत कारगर साबित होता है, टेक्स्ट जॉइन बहुत मजेदार फॉर्मूला है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने डेलीमीटर में ये माइनस का साइन लगा दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखिए अपने आप यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे जो है आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर नहीं करते हो, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया कि भाई एम्प्टी सेल्स है ना उनको इग्नोर मत करो, अब आप देखोगे यहाँ पे डबल स्पेस है, यहाँ पे डबल स्पेस है, ये सेल फिर स्पेस, ये सेल फिर स्पेस, तो खाली सेल है फिर भी स्पेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करते हो, इसका मतलब ये होता है कि अगर सेल खाली है ना तो फिर डेलीमीटर ना आए, ठीक है, ये होता है इसका यूज। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बेहतरीन यूज मैं आपको बताने वाला हूं एक कैर फॉर्मूला के साथ। अभी हमने यहां पे फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम को कॉनकैट किया, तो ये पूरा एक ही लाइन में सीधा ऐसे आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे एड्रेस है, इसी तरह मैं इसको कर दूंगा, बट मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्कैट करना है इस एड्रेस को कि पहले दिल्ली लिखाई, फिर सेल में अपने आप एंटर होके नीचे स्टेट आ जाए, ये स्टेट नीचे आ जाए, फिर एंटर करके अपने आप पिन कोड, फिर एंटर करके फोन नंबर, लाइन ब्रेक कर करके, लाइन ब्रेक करने के साथ साथ कॉन्कैटिनेट करना है। तो एक कैर का फॉर्मूला होता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला, छोटा सा बट काम बड़े बड़े कर देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं हम कैर का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। ये कैर फॉर्मूला करता क्या है, 0 से लेकर 256 तक करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करेक्टर आप दोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 23, ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा तो 23 पे ये सिंबल होता है, ठीक है। बस ये करता क्या है कि जो भी नंबर आप यहाँ दे रहे हो ना उस नंबर पे करेक्टर कौन सा होता है ये हमें बता देता है, ये देखिए है ना। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा कुछ भी, मान लीजिए 87, तो यहाँ पे होता है W। यहाँ पे आप कोई भी करेक्ट मतलब नंबर एंटर कर सकते हो, 123 पे कौन सा करेक्टर होता है, ये ब्रैकेट होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक का कौन सा नंबर होगा, लाइन ब्रेक का जो नंबर होता है ना वो होता है 10।
अगर कैरेक्टर के अंदर हम 10 पास कर रहे हैं, इसका मतलब लाइन ब्रेक ये करेगा, ठीक है। अब यहां हम लगाते हैं इसको कैसे, देखिए, इक्वल करके टेक्स्ट जॉइन, टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट ओपन, ये डेलीमीटर, डेलीमीटर का मतलब जो है सेल्स को कैसे जोड़ना है, तो सेल्स को हमें लाइन ब्रेक करके जोड़ना है। तो यहां डेलीमीटर में डबल कोट्स के अंदर हम स्पेस या सिंबल नहीं देने वाले, हम यहां पे लगा देंगे कैर का फॉर्मूला, कैर ब्रैकेट के अंदर हम यहां लिख देंगे 10, इसका मतलब लाइन ब्रेक करके हमें जोड़ना है सेल को, कैर 10 यहां पे रिटर्न करेगा लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हम यहां पे ट्रू कर देते हैं कि एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर दिया जाए, फिर यहां पे हम लगा देंगे कॉमा, उसके बाद हमने ये रेंज कर दी सिलेक्ट, एंटर करते ही देखना क्या होगा, एंटर कर दिया मैंने, यस कर दिया। अभी यहां पे लाइन ब्रेक नहीं हुआ, हमें करना क्या होगा, सेल पे क्लिक करके होम टैब पे जाना है और यहां रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, हो गया काम। बस इस रो की जो विड्थ है ना, इसको आप ज्यादा कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इसको पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर लोगे तो यहां पे सारा काम हो गया। आप इनको नीचे खींच के देख लीजिए, ये देखिए, तो ये एक कमाल की ट्रिक है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करके जरूर देखना है, और कोई भी समस्या है मेरे साथ शेयर जरूर करना है दोस्तों। अब हम यहां पे जो बात करने वाले हैं वो है लेफ्ट राइट और मिड फॉर्मूला, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड मिड फॉर्मूला। अब ये आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे मुझे तो आता है, बट कुछ गजब के इसके यूज हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए। जैसा कि आप यहां देखिए, यहां पे ये फॉर्मूला है, मैंने इन फॉर्मूलाज का यूज करके बीच में से कैरेक्टर्स को हाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ जो होती है प्राइवेट रखने की चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें इस तरह से हाइड करने का मौका मिल जाता है अगर हम यूज करेंगे लेफ्ट राइट मिड फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट का काम क्या होता है, लेफ्ट का काम होता है कि अगर सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें से लेफ्ट साइड से कुछ पार्ट आपको निकालना है, जैसे ये एंटर किया हुआ फोन नंबर, मुझे लेफ्ट साइड से इसका कुछ हिस्सा निकालना है केवल, तो हम लेफ्ट का यूज करेंगे। यहां पे मैं निकालता हूं, ये डायल कोड है, डायलिंग कोड लिखा हुआ है फोन नंबर के सामने 3 डिजिट का, ये मेरे को अलग करना है, यहां लाना है, तो इक्वल करके आप यहां पे क्या करोगे, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे टेक्स्ट आपको करना है सिलेक्ट, तो ये टेक्स्ट हो गया। कॉमा लगाने के बाद यहां पे नंबर करेक्टर्स, मतलब लेफ्ट साइड से कितने आपको निकालने हैं, तो मुझे 3 निकालने हैं, 1 2 3, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, तो यहां पे देखिए ये सभी नंबर्स के डायलिंग कोड निकल के आ गए लेफ्ट साइड से। उसी तरह राइट है, राइट बस राइट से निकालेगा, अभी बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, इक्वल करके राइट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट कर लिए सिलेक्ट, कॉमा। अब ये कह रहा है कि आपका राइट से कितने नंबर आपको लेने हैं, कितने नंबर लेने हैं, तो मान लीजिए मेरे को ये फोन नंबर निकालना है, तो फोन नंबर यहाँ पे 5 डिजिट का देख लीजिए आप, तो राइट से 5 लेने हैं मेरे को, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो यहाँ आप देखिए राइट साइड से 5 निकल के आ गए। अब हम बात करते हैं मिड फॉर्मूला की, मिड का मतलब होता है बीच में से निकालना। हमारे पास ये कॉन्टैक्ट डिटेल इस तरह से लिखी हुई है, फोन नंबर, डायलिंग कोड, फोन नंबर और मोबाइल नंबर, फोन नंबर और मोबाइल नंबर दो लिखे हुए हैं, मुझे इसमें से ना केवल ये फोन नंबर डायलिंग कोड के साथ निकालने हैं, ये वाले यहां से लेके यहां तक ये निकालने हैं, तो मिड फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इक्वल MID, मिड ब्रैकेट ओपन। अब यहां सबसे पहले हम देना टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारा ही सेल हो गया इसमें, कॉमा, कह रहा है स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, तो यहां पे हम इस 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 का नंबर कौन सा आप गिन लीजिए, PHONE और स्पेस, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7वां नंबर है 0 का, तो यहां पे आप टाइप कर दो कि 7, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, इसके बाद कितने निकालने हैं, तो यहां से ये निकालना चालू कर देगा 7वें नंबर पे से, तो इसके बाद कितने आपको निकालने हैं, तो ये 3 हो गए, 3 ये हो गए डायलिंग कोड, एक ये माइनस हो गया 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ये 9 डिजिट का नंबर है, तो यहां पे हम 9 लिख देंगे, एंटर कर देंगे, ब्रैकेट बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेल अपने आप बंद कर लेता है, एंटर कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे फोन नंबर बीच में से निकल के आ गया। तो ये हो गया मिड फॉर्मूला का यूज। इससे पहले मैं फाइंड का फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा, तो फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है, मैं ये डाटा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और ये डाटा आ गया, ठीक है। अब यहां मुझे क्या करना है, फाइंड फॉर्मूले का एक बार यूज करके आपको समझाना है थोड़ा सा। फाइंड फॉर्मूला क्या करेगा, मान लीजिए मुझे इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें जो ये अंडरस्कोर है ना, मतलब माइनस का साइन है, इस सेल में ये कौन से नंबर पे है, फाइंड लगाया अपनी ब्रैकेट ओपन की, कह रहा फाइंड टेक्स्ट, क्या आपको ढूंढना है,
तो मुझे ढूंढना है यहां पे माइनस का साइन, डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, कॉमा, कह रहा है विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में आपको ढूंढना है, तो इस टेक्स्ट में ढूंढना है। एंटर कर दिया तो यहां पे आ रहा 5, तो आप यहां पे गिन लीजिए ये जो माइनस आ रहा है ना, ये कौन से नंबर पे, पांचवें नंबर पे है, तीन डिजिट तो ये रहे, एक स्पेस है और पांचवें नंबर पे ये माइनस है। अगर इस फॉर्मूला को मैं नीचे खींच दूं तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे इस सेल के अंदर ये जो माइनस है ये सातवें नंबर पे है। तो फाइंड फॉर्मूले का यूज ये होता है कि हम आसानी से टेक्स्ट के अंदर कोई दूसरा टेक्स्ट फाइंड करके उसकी पोजीशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सिक्स पता लगाने, सिक्स कहाँ पे है, तो सिक्स आपने लिख दिया, एंटर कर दिया, तो सिक्स इसमें सातवें नंबर पे, आप देख सकते हो पांचवें नंबर पे ये माइनस था, फिर स्पेस है, फिर सिक्स है। तो ये होता है फाइंड फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये अलग करना है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड से ये जो नंबर्स निकाल लें ये तो फिक्स है, तीन है, तो मैंने लेफ्ट के अंदर तीन लिख दिया कि लेफ्ट से तीन निकाल दें, बट यहां तो फिक्स नहीं है, यहां पे तो किसी में तीन है, किसी में पांच है, किसी में दो है। तो अब हम कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से निकालना है मेरे को, डायलिंग कोड निकालने सबके अलग अलग, तो अब हम यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें इसमें करना है सिलेक्ट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमने कर दिया सिलेक्ट, कॉमा, अब कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दीजिए, तो हमारे पास लेफ्ट साइड से फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे पांच है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, तो ये अलग अलग हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगा देंगे, फाइंड का फॉर्मूला बताएगा लेफ्ट को कि कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं लेफ्ट से। ठीक है, तो फाइंड में हमने क्या किया, फाइंड टेक्स्ट हमें सबसे पहले यहाँ पे देना है, तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे क्या हमें ढूंढना है, हमें इसमें ढूंढना है माइनस का साइन, तो डबल कोट्स में मैंने लिख दिया माइनस, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, अभी फाइंड का फॉर्मूला ही चला हुआ है, विद इन टेक्स्ट, तो यही सेल हम दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे फाइंड वाली, और ये लेफ्ट वाली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब होगा क्या, लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से निकालेगा, कितने निकालेगा, फाइंड फॉर्मूला क्या करेगा, माइनस का साइन सर्च करेगा इस टेक्स्ट में कहां पे है, कौन सी पोजीशन पे है, तो ये पांचवी पोजीशन पे है, तो ये फाइंड का फॉर्मूला यहां पे दे देगा 5। फिर लेफ्ट साइड क्या कर, लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट साइड से पांच करेक्टर्स निकाल के दे देगा, बट होगा क्या, देखिए आप, एंटर किया मैंने यहां पे, तो ये पांच करेक्टर निकल के आ गए, तीन तो ये हो गए, एक स्पेस है और फिर एक माइनस है। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड ने जिस पोजीशन पे माइनस को ढूंढा है उसमें से एक कम करके निकालना है, -1 कर देंगे ताकि वो पोजीशन ना आए, -1 कर दिया, तो अब यहां पे सही आ रहा है, आप यहां पे इसको देखिए ड्रैग करके प्रॉपर एकदम करेक्ट आ रहा है, सही दोस्तों। अगर यहां पे माइनस की जगह कोई और सिंबल होता, कोई स्पेस होता, या केवल स्पेस होता, तो आप करते क्या, यहां पे माइनस की जगह स्पेस ही दे देते, जैसे मैंने यहां स्पेस दे दिया, ठीक है, एंटर कर दिया, तो यहां पे ये आ रहा है ना, ये स्पेस है, स्पेस पे से ही इसने निकाल दिया, स्पेस जहां पे मिला लेफ्ट साइड का निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं वापस और ये देखते हैं ये कैसे हुआ, यहां पे हमने लेफ्ट और राइट दोनों का एक साथ यूज कर दिया, कैसे किया देखिए, इन फोन नंबर्स में से लेफ्ट साइड से तीन डिजिट दिखाने हैं, राइट साइड से तीन दिखाने हैं, बीच में से हाइड करना है, तो ये कैसे होगा देखिए, यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, पहले हम लेफ्ट का लगाएंगे, LEFT लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट कर दिया सिलेक्ट कॉमा, लेफ्ट से कितने निकालने, तीन, तो यहां पे लिख दिया तीन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी लेफ्ट वाली, उसके बाद हम यहां पे राइट का फॉर्मूला लगा देंगे, एंड का साइन लगाएंगे और यहां पे हम लगाएंगे राइट ब्रैकेट ओपन, राइट साइड से कितने लेने, तीन लेने हैं, तो टेक्स्ट हम कर देंगे ये सिलेक्ट कॉमा करके तीन हमें लेने, राइट से तीन ले लिया, चार ले सकते हो, पांच ले सकते हो, जितना लेना है, एंटर कर दिया, तो लेफ्ट और राइट को दोनों को जोड़ दिया। यहां पे आप देखिए लेफ्ट साइड से तीन आ गए और राइट साइड से तीन आ गए, बीच में कुछ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, डबल क्लिक करो यहां पे, एक और एंड का साइन लगाओ, डबल कोट्स ओपन करो और यहां पे कोई स्टार या कोई माइनस कोई भी सिंबल आप लगा दीजिए दो तीन बार इस तरह से, डबल कोट्स बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, काम हो गया, ये देखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और उसके बाद अपना ओरिजिनल जो कॉलम है उसको आप हाइड करके सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे यहां पे एक है फॉर्मूला जिसका नाम ही फॉर्मूला टेक्स्ट है, ये क्या करता है, आप देखिए कभी कभी बहुत ज्यादा काम आ जाता है, हम जब भी एक्सेल शीट में कोई फॉर्मूले लगाते हैं, यहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये पूरा आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला टाइप पे जाता हूं, ठीक है, और यहां शो फॉर्मूला पे क्लिक करता हूं, तो सारे फॉर्मूले शो हो गए,
सारे फॉर्मूले सो जाएंगे सीट में जितने भी लगे होंगे। मैंने वापस यहाँ से 100 फॉर्मूला से टिक हटा दिया। मुझे सारे फॉर्मूले सो नहीं कराने, केवल कुछ फॉर्मूले ही सो कराने हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला टेक्स्ट। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमने इस सेल को कर दिया सिलेक्ट, बस एंटर कर दिया, तो देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला टेक्स्ट करता क्या है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ ना उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा फॉर्मूला शो हो रहा है और ये प्रॉपर आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये हो गया इस तरह से। तो ऐसे दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ डेट के फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, आप आज की डेट ऐड करने के लिए करोगे क्या, इक्वल करके टुडे का एक फॉर्मूला है जो हम लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज, एंटर कर दिया। ये जो डेट है ये आज की डेट है, आप एक्सेल कल ओपन करोगे सीट को तो ये अपडेट हो जाएगी, कल की डेट आ जाएगी, मतलब डेली डेली की डेट मिलेगी आपको। अगर कहीं हम कई बार ऐसा होता है, हम डेटा एंट्री करते हैं तो किस दिन हमने ये एंट्री की है वो डेट हमें लिखनी होती है, तो इसके लिए आप टूडे का फॉर्मूला बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। ये हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें डेली डेट अपडेट करनी पड़े कि डेली उसी दिन की डेट अपने आप आ जाए। यहाँ आप एक शॉर्टकट की है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, इसका आप यूज़ करो तो करंट डेट जो भी होगी वो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह अगर आप नाउ का फॉर्मूला लगाते हो इक्वल करके नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये करंट डेट एंड टाइम आ जाता है। आप इन सेल्स को मर्ज करके देख लीजिए, यहाँ पे मर्ज कर दिया तो ये डेट एंड टाइम आ गया है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कोलन दबाओगे तो टाइम आ जाएगा, करंट टाइम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये कुछ डेट्स हैं, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 11 जनवरी। ये सेम डेट हमें नेक्स्ट मंथ में चाहिए, कोई ईएमआई के लिए चाहिए, कोई ड्यू डेट के लिए चाहिए, मतलब 3 जनवरी तो 3 फरवरी, 5 जनवरी तो 5 फरवरी, या फिर मार्च में चाहिए, या फिर अप्रैल में चाहिए, या फिर 6 महीने बाद की चाहिए, सेम डेट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कमाल का जिसका नाम है ई डेट। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ई डेट, तो मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल ई डेट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे स्टार्ट डेट हमें दे देनी है, ये दे दी, कॉमा लगा देना है। अब कह रहा मंथ्स, मतलब ये डेट हमने सेलेक्ट कर दी, नेक्स्ट कितने मंथ्स बाद की डेट हमें सेम डेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे फरवरी की डेट आ गई, ये डेट थी, 1 महीने बाद की डेट हमने ली है, तो यहाँ पे 1 लिखा है। अगर हमें मार्च की चाहिए तो हम 2 लिख देंगे, फेब की चाहिए तो हम 3 लिख देंगे, अगर 6 महीने बाद की चाहिए तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बहुत काम आता है जब भी हमें सेम डेट्स नेक्स्ट मंथ में चाहिए, या फिर और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ में, या कभी भी चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और हो सकता है, यहाँ पे जो डेट हमने निकाली है वो नेक्स्ट 1 मंथ की निकाली है, प्रीवियस 1 मंथ की भी आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पे जाके -1 कर देना तो ये पिछले महीने की आ जाएगी, देखिए 3 दिसंबर 2019। अगर आप यहाँ पे 1 की जगह लिखोगे 2, 3, 4, मान ली मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर। तो ये है कमाल का फॉर्मूला, ई डेट फॉर्मूला, छोटा सा बहुत काम आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, किसी भी महीने की लास्ट डेट आपको निकालनी है तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है ई ओ मंथ वो यूज़ किया जाता है। ये जनवरी का महीना है, लास्ट डेट क्या है इसकी, तो इक्वल करके आप लिखोगे ई ओ मंथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको देनी स्टार्ट डेट ये रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के आप 0 लिखोगे, अभी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना, तो इसी महीने की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। आप इनको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देखिए इसी महीने की लास्ट डेट क्या है, 29 फरवरी, ठीक है, इसी महीने की। बट अगर आपको चाहिए नेक्स्ट महीने की, मतलब जनवरी है तो अगले महीने की लास्ट डेट क्या है वो निकालो, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो, 1 लिख दिया, एंटर किया, तो देखिए 29 फरवरी। अगर इसके बाद और अगले महीने की आपको लास्ट डेट चाहिए तो ये देखिए 31 मार्च। तो ये दोस्तों हैं कुछ फॉर्मूलेज जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, मैंने कोशिश की इनको पूरा एक्सप्लेन करने की। आप ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और दोस्तों इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोज़ में ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँ अपने चैनल पर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के, तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।
थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।